हेलो नमस्कार दोस्तों स्टडी पॉइंट नाइन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आज सत्ताईस जून 2023 और 27 जून 2023 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं गौरव सर की क्लास के द्वारा उनका रिवीजन करवा रहे हैं तो देखिए आइए जुड़ जाइए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि चैनल पर नए हो तो और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए डेढ़ घंटे की क्लास का हम बीस मिनट के अंदर इसका रिविज़न करने जा रहे हैं तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है उनसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि इन क्वेश्चनों की पी डी आने के लिए और साथ ही साथ इन क्वेश्चनों की क्यूज़ करने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए टेलीग्राम चैनल पे और टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी पॉइंट नाइन करंट अपेयर्स डेली अपडेट के ऊपर ज्वाइन कर लीजिए और उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है वीडियो को अंत तक जरूर देखिए टाइटेनिक जहाज का मलबा देखने गए किस पंडुबी की दुर्घटना से पायलट और चार टूरिज्म की मौत हो गई तो आप देख सकते हो यह कौन सी पंडुबी थी तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टाइटन कौन सी टाइटन देखिए टाइटेनिक जहाज को देखने के लिए टाइटन भी लेके गए और ये ओशन गेटवे के गेट के गेट के द्वारा गेट गेटवे के कंपनी के, के द्वारा बनाया गया और इसका नाम था टाइटन और ओशन गेट के द्वारा बनाया गया और टाइटनिक जहाज का मलबा देखने के लिए टाइटन पंडुबी की दुर्घटना के अंदर पायलट और चार टूरिज्म की मौत हो गई है देखिए करीब एक सौ ग्यारह साल पहले जब 1912 के अंदर डूबे गए टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने के लिए ये पंडुबी लापता हो गई है अब लोकेशन के अंदर बात करें तो टाइटेनिक जहाज़ कहाँ डूबा था और टाइटन ये पंडू भी कहाँ पर डूबी थी तो ये देखिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा अंटार्कटिक ओशन क्या मिल जाएगा अंटार्कटिक ओशन मिल जाएगा और आपको अंटार्कटिक ओशन मिलने पर देखो यहाँ पे हो जाए हो जाएगा इसका नॉर्थ अमेरिका और ये हो जाएगा साउथ अमेरिका क्या हो जाएगा साउथ अमेरिका हो जाएगा और ये टोटल पूरा एस आकार का क्या है ये अंटार्कटिक ओशन है ठीक है अंटार्कटिक ओशन है तो आपको यहाँ से इक्वेटर रेखा निकलती है यहाँ से इक्वेटर रेखा निकलती है तो इक्वेटर रेखा यहाँ से निकलती है तो इससे ऊपर वाला क्या हो जाएगा नॉर्थ हो जाएगा और इससे जो नीचे वाला हो जाएगा वो साउथ हो जाएगा तो ये अंटार्कटिक ओशन के अंदर भी कौन सा ओशन बन जाएगा ये नॉर्थ ओशन बन जाएगा नॉर्थ अंटार्कटिक ओशन बन जाएगा और ये साउथ आपको मिल जाएगा साउथ जो अंटार्कटिक ओशन मिल जाएगा ठीक है तो इससे नॉर्थ अंटार्कटिक ओशन के अंदर यह न्यू फाउंडलैंड है ठीक है ऑस्ट्रेलिया के पास ही क्या है ऑस्ट्रेलिया के पास ही यहाँ पे न्यू फाउंडलैंड है और ये जो डैश डैश की लाइन की दिखाई दे रही है ये वो जगह है जहाँ पे आप ये पंडुबी की लापता हुई है और इन दोनों के बीच में ओनली फॉर जो थोड़ी बहुत थी जैसे कितना मीटर पंद्रह सौ मीटर की दूरी पे ये गिरी थी ठीक है देखो पाँच दिन के बाद जो टाइटन पंडुबी का मलबा अंटार्कटिक महासागर में मिला है और ये टाइटेनिक जहाज के मलबे को देखने के लिए सोलह सौ सो फीट नीचे गई है तो समुंदर से सोलह सौ सो फिट नीचे गई है और इनके पा पाँच टुकड़े मिले हैं इन पंडुबे में सवार हुए पांच लोगों की मौत हो गई है और टाइटैनिक जहाज का मलबा अंटार्कटिक ओशन में मौजूद है जहाँ पर कनाडा के न्यू फाउंडलैंड ऑस्ट्रेलिया सॉरी मैंने ऑस्ट्रेलिया बोल दिया कनाडा अमेरिका ऊपर ऊपर अमेरिका के जस्ट नीचे कौन सा है कनाडा है और कनाडा के ये फाउंड न्यू फाउंडलैंड यहाँ पे देखो डीप है वहाँ पे ठीक है और यहाँ पे है देखो आपको गल्फ स्ट्रीम भी मिल जाएगी वहाँ पे सेंट जॉन से 700 किलोमीटर दूर है मलबा महासागर में 3800 मीटर की गहराई में है और पंडुबी का यह सफ़र कनाडा के न्यू फाउंडलैंड से शुरू हुआ और दो घंटे के अंदर ही मलबे के पास पहुँच गई और वहाँ पे विस्फोट होने के कारण वहाँ विस्फोट होने के कारण इनकी ए, मौत हो गई ठीक है क्वेश्चन नंबर दो देखते हैं हाल ही में भारत इन पेरिस भारत इन पेरिस अभियान की शुरुआत कहाँ पे की गई तो भारत इन पेरिस की शुरुआत की गई है ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली के अंदर कहाँ पे की गई है दिल्ली के अंदर की गई है देखो हमने यहाँ पे पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं देखा एक बार ऑप्शन देख लेते हैं क्योंकि उस, उस क्वेश्चन पर जाने पर मुझे याद आया कि न, इन इन क्वेश्चन का हमने ऑप्शन नहीं देखा तो देखिए आर्टेमिस मिशन क्या है तो आर्टेमिस मिशन है मून मिशन और तो मून तो 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 मिशन किसका है तो ये यूएसए की जो कंपनी है जो यूएसए की अंतरिक्ष कंपनी कौन सी है नासा कौन सी है तो नासा का ये मून मिशन है आर्टेमिस मिशन स्टारशिप की बात करें तो स्टारशिप किसकी कंपनी है तो ये एलोन मस्क की है जो ये यूएसए की प्राइवेट कंपनी है होप मिशन किसका है तो ये यू का है और ये है मार्स मिशन मंगल ग्रह पे जाने के लिए मार्स मिशन होप मिशन है ठीक है ना अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की ओर तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर देखो इसका सही आंसर तो मैंने बता दिया है दिल्ली और दिल्ली के अंदर जे नेहरू जो स्टेडियम है उनके अंदर भारत इन पेरिस अभियान का केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जो वर्तमान में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा हरी झंडी दिखा दी गई है और भारत इन पेरिस अभियान भारत जो भारतीय ओलंपिक संघ है आई उसके द्वारा शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य है कि पेरिस के अंदर ओलंपिक खेलों से पहले पूरे भारत में खेलों के प्रति जागरूकता फैलाना और खेलों को बढ़ावा देना तो वर्तमान अब 2024 के जो ओलंपिक खेल होंगे वो कहाँ पर आयोजित होंगे वो पेरिस के अंदर आयोजित होंगे ऑप्शन की बात कर लेते हैं तो देखिए मध्य प्रदेश की बात करें हैं, करते हैं तो मध्य प्रदेश के अंदर देखिए वर्तमान में खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स है उनका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा दो का तो किया जाएगा मध्य प्रदेश के अंदर गोवा की बात करें तो गोवा के अंदर सैंतीसवें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पे है गोवा के अंदर और ओडिशा की बात करें तो वहाँ पे एफ आई एच जो फीफा इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है उसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा ओडिशा के भुवनेश्वर जो बिरसा मुंडा स्टेडियम है हॉकी स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ पर है तो ओडिशा के अंदर है वहाँ पर आयोजित किया जाएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर तीन हाल ही में फेस ऑथेंटिकेशन फ़ीचर के साथ पीएम किसान मोबाइल ऐप को किसके द्वारा लॉन्च किया गया तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है तो वर्तमान में हमारे किसान जो कृषि मंत्री कौन है तो वो कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर और नरेंद्र नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा पिस जो पी किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा फेस ऑथेंटिकेशन फीचर के साथ पीएम किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है इसके अंदर आप सभी को पता होगा ये डी योजना के तहत छः हजार रुपये सालाना जो देखो ये कौन सी योजना है तो ये पीएम किसान सम्मान निधि योजना है जिसके अंदर छः हजार रुपये सालाना राशि दी जाती है जो तीन किस्तों के अंदर हस्तानांतर की जाती है डीबीटी की फुल फॉर्म की बात करें तो ये डायरेक्ट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र योजना है ठीक है और फेस ऑथेंटिक की सुविधा की मदद के लिए कोई भी किसान को दूर दराज घर बैठे आसानी से ओ या फिंगरप्रिंट के अलावा भी फेस स्कैनर के माध्यम से जो ई के वाई सी के कस्टमर ई को पूरा करा सकता है अब बात कर लेते हैं ऑप्शन की तो देखो नरेंद्र मोदी जी तो नरेंद्र मोदी जी से बात करते तो देखो वर्तमान में नीति आयोग की जो आठ ई गवर्नेंस की मीटिंग हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की है तो वो किए अमित शाह नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अमित शाह की बात करें तो अमित अमित शाह ने अभी हाल ही में एक स्टेच्यू ऑफ पीस की का उद्घाटन किया है कहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर निर्मला सीतारमण की बात करें तो ये सबसे फोब्स की जो लिस्ट आई है उसके अंदर सबसे शक्तिशाली महिलाओं के अंदर भारत के अंदर बात करें तो प्रथम स्थान पे और विश्व के अंदर बात करें तो छत्तीसवें स्थान पे रही है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर चार क्या कहता है कि प्रतिवर्ष विश्व नाविक दिवस कब मनाया जाता है तो प्रतिवर्ष नाविक कघल... दिवस कब मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है पच्चीस जून को कब मनाया जाता है पच्चीस जून को मनाया जाता है और ये वार्षिक कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैश्विक अर्थव्यवस्था और समाज में समुद्री यात्राओं जो यात्री हैं उनको निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिकाओं को स्वीकार करता है इसके अलावा यदि बात करें नाविक दिवस 2023 की थीम क्या है तो वो है जो मारपोल एट फिफ्टीन और कम्युनिटी गोस ऑन ठीक है अब बात कर लेते हैं अन्य दिवस की तो देखिए तेबीस जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है तो वो मनाया जाता है तेबीस जून को और इक्कीस जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है तो वो मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस क्या मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग, योग दिवस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर पाँच अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस अभी हाल ही में बताया मैंने कौन किस तारीख को मनाया जाता है तेबीस जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है और बीस जून को अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी दिवस मनाया जाता है देखिए वर्ष 2023 की जो थीम है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की तो वो क्या है आगे बढ़े लेट्स मूव इंटरनेशनल ओलंपिक कम्युनिटी का स्थापना कब हुई तो ये हुई तेबीस जून अठारह चौरानवे को और यहाँ मुख्यालय कहाँ पे है तो ये लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर है वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है तो वो है थॉमस बोक ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर सिक्स हाल ही में हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है तो जो हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप हुई है उसका खिताब किसने जीत लिया है तो वो जीत लिया है मध्य प्रदेश के द्वारा किसके द्वारा जीत लिया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा जीत लिया गया है और मध्य प्रदेश के अंदर ये कहाँ पर आयोजित हुआ तो ये हुआ था बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम इसका फाइनल जिसके अंदर चंडीगढ़ को हरा के तेरहवीं जो हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप है उसको जीत ली है और इसके अंदर हरियाणा की टीम तीसरे स्थान पर रही है और मध्य प्रदेश के अंदर यदि जो मध्य प्रदेश के द्वारा जीती गई है हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का है इसका पूरा किसे जाता है तो ये जाता है शेरियस धूप और मोहम्मद कानेन और अली अहमद को जाता है क्योंकि इन्होंने सर्वाधिक गोल किए थे ठीक है अब देखिए राजस्थान राजस्थान की बात करें तो वर्तमान में एक ये जो सी से चलने वाली टॉय ट्रेन कहाँ पर लॉन्च की गई है तो ये राजस्थान के अंदर की गई है ओडि ओडिशा की बात करें तो अभी हाल ही में बता दिया मैंने ए पाई एच जो हॉकी वर्ल्ड कप है वो ओडिशा के अंदर आयोजित हुआ है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर सात हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बलिदान स्तंभ का उद्घाटन कहाँ पे किया गया तो बलिदान दिवस का बलिदान स्तंभ का उद्घाटन कहाँ पे किया गया ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया गया कहाँ पे किया गया है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया गया है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर आठ हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश ने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइल से सम्मानित किया गया है तो कहाँ का है ऑर्डर ऑफ नाइल तो ये है ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा मिस्र कहाँ का है मिस्र इसका सही आंसर हो जाएगा और मिस्र के यदि राष्ट्रपति की बात करें तो कौन है अब्दुल अल फतेह अल सिसी जिन्होंने 26 जनवरी 2023 को हमारे मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए थे ठीक है अब देखिए जो मैंने कल क्वेश्चन ऑफ़ द डे के रूप में दिया था उसका आंसर मैं आशा करता हूँ आपने कमेंट बॉक्स के अंदर दिया होगा तो उसका लास्ट क्वेश्चन लास्ट क्लास का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या था कि हाल ही में जो चर्चा में रहा जगन्नाथपुरी रथ यात्रा का आयोजन किस राज्य के अंदर किया जाता है तो ये किया गया था यह किया गया ओडिशा के अंदर कहाँ पे किया गया ओडिशा इसका सही आंसर हो जाएगा अब चलते हैं नेक्स्ट रिवीजन जो मैंने कल क्लास ली थी उसको वन लाइनर फॉर्मेट के अंदर वापस रिवीजन करते हैं तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या था कि भारत का सबसे बड़ा निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ पे किया गया तो ये किया गया तेलंगाना और तेलंगाना के कहाँ पे किया गया तो तेलंगाना के चेन्नई के अंदर किया गया ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने किस वर्षों से ट्रक ट्रकों में एयर कंडीशनर जो ए सी है उसको अनिवार्यता के रूप से लागू करने की बात की है तो वो की है 2025 तक 2025 तक सभी ट्रकों के अंदर क्या होने चाहिए ए सी अनिवार्य होनी चाहिए गिफ्ट सिटी के नए अध्यक्ष कौन है तो ये गुजरात के जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको गिफ्ट सिटी के नाम से जाना जाता है उसके वर्तमान में अब नए अध्यक्ष बना दिए गए हैं हसमुख अध्यक्ष किसको बना दिया गया है हसमुख अध्यक्ष को बना दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन भारत ने किस देश के साथ रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए इंडूएक्स जो एक्स नामक पहल शुरू की है तो वो की है अमेरिका के साथ किसके साथ की है अमेरिका के साथ की है नेक्स्ट क्वेश्चन था किस फुटबॉलर ने दो सौ अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है तो उसका नाम है क्रिस्टनो रोनाल्डो क्या है नाम है क्रिस्टनो रोनाल्डो नाम है नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय शहर ने योग दिवस कार्यक्रम दो में 1.53 लाख लोगों की भागीदारी के साथ नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है तो वो है सूरत गुजरात के अंदर ई कॉमर्स कंपनी जो अलीबाबा ग्रुप है उसके वर्तमान में सीईओ कौन बन गए हैं तो वो बन गए हैं एनडी योंगमिंग वो कौन बन गए हैं एनडी योंगमिंग वो बन गए हैं वैश्विक स्तर पर जीरो हरित भवन परियोजनाओं के तहत सर्वाधिक लीड मतलब नेट जीरो सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले देशों की सूची के अंदर शीर्ष स्थान पे कौन है तो वो है भारत कौन सा है जैसे भारत है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नर्सिंग क्षेत्र में अभूतपूर्ण योगदान के लिए राष्ट्रीय फ्लोरें जो फ्लोरेंस नाइटेंगल सम्मान 2022 और 2023 में कितने नर्सिंग पेशेवरों को सम्मानित किया गया है तो इन दोनों सालों को मिला के तीस व्यक्तियों को नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटेंगल दिवस जो पुरस्कार हैं उससे सम्मानित किया गया है ठीक है नेक्स्ट है यूरोपीय संघ और विश्व मौसम संगठन की एक संयुक्त जलवायु परिवर्तन रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप कौन सा है तो उसका सही आंसर हो जाएगा यूरोप क्या हो जाएगा यूरोप इसका सही आंसर हो जाएगा अब चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर दोगे इसका सही आंसर मैं कल की क्लास के अंदर बताऊंगा हाल ही में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रो के प्रमुख नए प्रमुख कौन बन गए हैं तो इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए ऑप्शन नंबर ए है तपन कुमार डेका ऑप्शन नंबर बी है सामंत कुमार गोयल ऑप्शन नंबर सी है रवि सिन्हा ऑप्शन नंबर डी है अजीत डोभाल आज का सेशन कैसा लगा यदि पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक यू जय हिंद जय जे भारत मिलते हैं नए क्लास के ने, नेक्स्ट क्लास के अंदर नए जोश नए जुनून के साथ